हेलो गाइस, मेरा नाम गगन है और आप देख रहे हैं गेट टेक। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंस्टाग्राम से कोई वीडियो या पोस्ट या कोई भी फोटोज़ वगैरह इंस्टाग्राम से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप चुटकियों में कोई भी पोस्ट, कोई भी फोटोज़, कोई भी वीडियोज़ यहाँ से इंस्टाग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या प्रोसेस है, ये क्या ट्रिक है, सीखते हैं इसको आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर दोस्तों आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो आप देख रहे होंगे बेल आइकन का बटन, इसको भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। जैसे ही आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करेंगे आपको इस प्रकार का होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियोज़ यहाँ पे जो भी शो हो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि हमें इंस्टाग्राम पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो कि मोटिवेटिव होती हैं, इन्फॉर्मेटिव होती हैं या फ़नी होती हैं, बट हम उनको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हैं, बट ऐसा मोस्टली ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देती हैं। वो क्या कर सकते हैं, केवल हम उसको उसी ऐप पर सेव करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखिए काफ़ी सारी यहाँ पर रील्स अवेलेबल होंगी जिनको जो हमें पसंद आएंगी, बट हम उनको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी गैलरी में, तो यहाँ पर गैलरी में डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, बट आप इसको अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो देखिए, आप जब ये तीन बिंदु वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आप ये राइट साइड में देख रहे होंगे नीचे की तरफ, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके इंस्टाग्राम में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इंस्टाग्राम में सेव हो गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपने क्या करना है, आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्लैश वाले तीन लाइनों के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव का बटन देखेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। ये आप देखेंगे, मैंने वीडियोज़ को इसको सेव किया है तो ये इंस्टाग्राम में सेव हो गई है, बट ये मेरे फ़ोन की गैलरी में डाउनलोड नहीं हुई है। यहाँ से मैं इसको अनसेव्ड भी कर सकता हूँ और सेव्ड भी कर सकता हूँ, सेव टू कलेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब मैं जो आपको तरीका बताता हूं दोस्तों कि अगर आपको उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ये जो अभी आप तीन बटन देख रहे हैं आपने इस पर क्लिक करना है और यहां पर कॉपी लिंक का जो बटन दिया है आपने उस पर क्लिक कर देना है। जब आप कॉपी लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो वीडियो का लिंक है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपने इस ऐप से बाहर आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है स्नैपट्यूब। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बहुत ही यूज़फुल ऐप है वो, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के थ्रू आप फेसबुक से, यूट्यूब से या कोई अदर सोशल मीडिया से या किसी भी वेबसाइट से आप कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बस वीडियो का लिंक कॉपी करना है, उसके बाद आपने स्नैपट्यूब ऐप ओपन करनी है। जब आप स्नैपट्यूब ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्च बार का एक बटन है, तो आपने वो जो लिंक कॉपी किया है जिस फोटोज़ का या वीडियो का, तो आपने वो पेस्ट कर देना है यहाँ पर और उसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जब दोस्तों आप यहां पे पेस्ट कर देंगे वो लिंक, तो यहां पे आपको वीडियो दिखाई दे जाएगा और यहां पे आपको डाउनलोड का बटन शो हो जाएगा। तो आपने डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेना है। तो जब यहां पे डाउनलोड का आपको बटन शो होगा तो आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी वो, और यहाँ पर आप डाउनलोड वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं कि वो वीडियो डाउनलोड हो गई है या नहीं। तो आप ये देखेंगे ये वीडियो डाउनलोड हो गई। अब मैं आपको अपने फ़ोन की गैलरी दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे ये वीडियो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसको ये मेरे फ़ोन में आ गई है, सेव हो गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने कोई भी वीडियो इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर लेनी है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो प्रोसेस मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया आपको सब कुछ आसानी से समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।